हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? और आज है नवरात्रि का अष्टमी है आज, है ना। बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा है। और नवरात्रि हमारे जीवन में ना बहुत बड़ी एक चेंज लेकर आते हैं, है ना। नवरात्रि का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवरात्रि में हर दिन माता रानी क्या करती है ना, एक जो दैत्य होता है उसका वध करती हैं, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो ये जो वध है ना, ये एक्चुअली में दैत्य का फिजिकली नहीं होता है, ये हमें अपने अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिविटी होती है ना, हमें उसका वध करना होता है। वध करना होता है का मतलब है कि हमें उसको ख़त्म करना होता है। और इसी के लिए 9 दिन के फास्ट रखे जाते हैं, आपको बहुत प्योर कराया जाता है। हिंदू लोग तो नॉनवेज भी नहीं खाते, तो ये एक बहुत ज़्यादा, नॉनवेज बिकना बंद हो जाता है मार्केट में, नॉनवेज बिकता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इनको, जो भी त्यौहार आते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको ले लो, आप ईद ले लो, ठीक है, 40 दिन का होता है। 40 दिन में जो प्योरिटी वो करना चाहते हैं इंसान की अंदर से, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो त्यौहार मायने नहीं रखता है, वो जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उस प्रोसेस में इंजॉय करना चाहिए, उस प्रोसेस को समझना चाहिए, उस प्रोसेस में अपने आप को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि यार हम क्या गलत करें अपनी ज़िंदगी में। देखो, लाइफ में पैसा कमाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, आपने कमा लिया, लेकिन लाइफ का जो पर्पस होता है ना, वो तो यही होता है कि आप आओ, अच्छे काम करो और जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपके अच्छे काम ही आपके साथ जाने वाले हैं ना, कुछ और जाएगा ही नहीं, आप कोशिश भी कर लोगे तो नहीं जाएगा। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। टेक केयर, बाय।